हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो हम क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। एक मित्र दूसरे से कहता, तो मित्र तब ना दूसरे से कहता, तो एक मित्र दूसरे से कहता यदि मुझे 100 दे दो। तो देखिए दो मित्र है, सपोज राम है और मोहन है, ठीक। तो एक मित्र कहता है दूसरे से, अगर ये हमको 100 रुपया दे देगा, कौन मोहन, 100 रुपया देते हो, दे दो तो मैं आपसे दो गुना धनी बन जाऊंगा। कितना, 100 रुपया से अगर ये 100 रुपया इसको दे देता है तो ये कितना गुना धनी बन जाएगा, इससे दो गुना धनी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दो गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, अब ई बोलता है मोहन यदि आप मुझे 10 रुपया दे दें, अगर ये 10 रुपया देता है इसको, ठीक, 10 रुपया दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, इससे 6 गुना धनी बन जाएगा, कौन मोहन, ठीक। तो बताइए कि उनकी कर्मशः क्या संपत्तियां हैं, तो हमको कितना उसके पास बैलेंस है, धनराशि है, तो हमको उसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए माना दो दोस्त है, पहले और दूसरे दोस्त मान लेते हैं, माना पहले दोस्त के पास धनराशि x रुपया मान लिए, दूसरे दोस्त के पास धन राशि y रुपया। अब देखिए मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न से, मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए क्या हो रहा है यहां पे। अगर सपोज इसके पास, पहले दोस्त के पास x रुपया है, ठीक, इसको अगर 100 रुपया दे देता है, कौन देता है, दूसरा दोस्त देता है, यानी दूसरा दोस्त के पास कितना है, वाई रुपया है। तो 100 इसको दिया, तो इसके पास 100 वाई रुपया था, 100 दे दिया, तो 100 क्या हो गया, माइनस हो गया, एक्स इसके पास था, 100 इसको दिया तो प्लस हो गया, कौन दिया, वाई दिया, तो वाई का क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब दे देता है 100 कितना गुना हो जाता है, वाई के पास, यानी बोल रहा है कि मोहन यानी सेकंड दोस्त के पास, सेकंड दोस्त का दो गुना हो जाता है अगर 100 देता है, तो दूसरे दोस्त का दो गुना हो गया। आगे देखिए अब इससे इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो x प्लस 100 क्या हो जाएगा, 2y माइनस 200, तो x माइनस अपोजिट साइड 2y कर देंगे तो माइनस 200 और ये माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना, एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या इस जगह आपको समझ में आया, इस जगह आपको समझ में आया। देखिए हम क्या किए, एक्स रुपया है किसके पास, पहले दोस्त के पास, दूसरे दोस्त के पास है वाई रुपया, दूसरा दोस्त को बोलता है कौन, पहला दोस्त, कि अगर तुम हमको 100 रुपया दे देगा, पहला दोस्त बोल रहा है दूसरे दोस्त को, अगर 100 रुपया हमको दे देगा तो हम तुम्हारे मुकाबले, मतलब तुम्हारे दो गुने धनराशि के बराबर हो जाएंगे, यानी तुम्हारा दो गुना जितना हो जाएगा उतना मेरा भी हो जाएगा। तो देखिए अगर ये 100 रुपया दिया हुआ है तो इसका प्लस हो गया, तो ये 100 रुपया दिया तो इसका क्या हो गया, 100 रुपया कम जाएगा ना, तो कम क्या तब जितना कमा उससे दो गुना हो गया, किसका, पहले दोस्त का, जितना कमा यानी 100 कमा उससे टोटल से दो गुना हो गया, किसका, पहले दोस्त का, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। फिर देखिए पुनः दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अब दूसरा दोस्त बोलता है, दूसरा दोस्त क्या बोलता है, अगर हमको 10 रुपया देगा, देखिए दूसरा दोस्त यानी दूसरा दोस्त कौन है, वाई, इसको अगर 10 रुपया देगा, ठीक, 10 रुपया दे रहा है, 10 रुपया दे दिया, अब देखिए x के पास कितना हो जाएगा, 10x दे, x से ले लिया ही, तो x माइनस 10 हो जाएगा, 100 रुपया था और उससे ही ले लिया, पहले दोस्त से 10 रुपया ले लिया, तो 10 क्या हो गया उसका, माइनस हो गया, तो कितना गुना का, 6 गुना का हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, ठीक, किसका, पहले दोस्त का 6 गुना दूसरे दोस्त के बराबर।
अब देखिए इससे इक्वेशन क्या निकलेगा, y प्लस टेन इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सिक्सटी, टेन इधर रखते हैं हम, माइनस सिक्सटी प्लस सिक्सटी हो जाएगा इधर, और सिक्स एक्स वाई है प्लस में तो माइनस वाई, यानी हम लिख सकते हैं इसको क्या, सिक्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्सटी और टेन सेवेंटी, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करना है, दो दोस्त हम राम और मोहन मान लिए थे, क्या दिक्कत है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर हम किसको बराबर करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, टू वाई है और यहाँ पे सिर्फ वाई है, अगर हम इसको इसको तो टू है ही है, इसको हम दो से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, चलिए कर देते हैं, या फिर इसको सिक्स से करें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किसको करेंगे, इसी को टू से कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे समीकरण दो को, समीकरण दो को किससे कर रहे हैं गुना, दो से कर रहे हैं, देखिए वाई है यहाँ पे टू वाई है तो दो से गुना करेंगे, समीकरण दो को दो से गुना करके समीकरण एक में घटाने पर, एक में घटाने पर घटा रहे हैं क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम है। अब देखिए समीकरण एक में घटाने पर, तो में है तो में मतलब ऊपर उसको लिखेंगे एक को, तो x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री हंड्रेड, और क्या है सिक्स एक्स, तो इसको किससे कर रहे हैं टू से, तो सिक्स टू जा क्या आ जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवेंटी, को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फोर्टी हो जाएगा, घटा रहे हैं तो साइन चेंज। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला क्या क्या है, माइनस टू वाई प्लस टू वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स यानी वन माइनस ट्वेल्व माइनस इलेवन एक्स है तो एक्स, माइनस थ्री हंड्रेड और माइनस वन हंड्रेड फोर्टी यानी माइनस तीन सौ और माइनस एक सौ चालीस, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा यानी माइनस फोर फोर जीरो हो जाएगा, माइनस फोर फोर जीरो माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया फोर फोर जीरो बाय एलेवन, फोर टाइम्स और जीरो है जीरो यानी एक्स का वैल्यू आ गया फोर्टी। अब यही एक्स का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे या फिर दो में रखें, देखिए समीकरण एक में तीन सौ है यहाँ पे कितना है सत्तर है, तो ये एक में रखते हैं यानी लिखेंगे समीकरण दो में रखेंगे एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, तो देखिए समीकरण दो क्या है मेरा सिक्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेवेंटी, एक्स का वैल्यू आया यानी सिक्स इंटू क्या आ जाएगा फोर्टी माइनस वाई इक्वल टू सेवेंटी, तो माइनस वाई इक्वल टू सेवेंटी माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और जीरो टू फोर जीरो, प्लस में है तो अपोजिट साइड गया माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो टू फोर जीरो यानी दो सौ चालीस में सत्तर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240 में 70 माइनस होगा तो 170, ठीक माइनस 170 माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आ गया 170 और x का मान आ गया कितना 40। अब हम लिख सकते हैं पहले दोस्त के पास धनराशि x रुपया यानी 40 रुपया और दूसरे दोस्त के पास धनराशि यानी क्या y बराबर 170 आ गया यानी दूसरे दोस्त के पास कितना है 170 रुपया, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं आपको नीचे लिखना है पहले दोस्त के पास धन राशि कितना आ गया 40 रुपया, दूसरे दोस्त के पास धन राशि कितना है 170 रुपया यानी दूसरे दोस्त के पास क्या है ज्यादा राशि है, कितना ज्यादा है 130 रुपया ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।